वेलकम गाइस, और इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर एक कार्बन एटम, ईच कार्बन एटम मेक्स फोर बॉन्ड्स, राइट। हर एक कार्बन एटम चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे वो कंपाउंड एक कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट इज मॉलिक्यूल। तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है कि आयोनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वहाँ पर हम सिंपल फॉर्मूला देते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स हैव अ सिंपल रेशियो फार्मूला, वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे हम NaCl लेंगे तो NaCl नाम का कोई मॉलिक्यूल नहीं है, इट इज़ जस्ट द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। बट कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, और उस फार्मूला से हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ के कितने एटम्स हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। ठीक है, लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स एंड सी दिस फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिखूं, जैसे कि CH4 या C2H6 या फिर C2H4 एट्सेट्रा, ये सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनको देखकर एक आइडिया लग रहा है कि इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है और चार हाइड्रोजन एटम है। इस वाले मॉलिक्यूल में दो कार्बन एटम है और छः हाइड्रोजन एटम है, और इस तीसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल में दो कार्बन एटम के साथ चार हाइड्रोजन एटम है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें ये आइडिया मिल जाता है कि कौन सा एटम कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। बट हमें ये आइडिया नहीं मिलता कि कौन सा एटम किससे जुड़ा है। Which atom is connected to which? तो इसको पता लगाने के लिए, कनेक्शन का पता लगाने के लिए हमें चाहिए एक नया फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। टू फाइंड कनेक्शंस वी नीड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेट्स सी हाउ। तो किसी भी मॉलिक्यूल के कनेक्शंस दिखाने के लिए हमको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस स्टार्ट विथ मिथेन और CH4 लिया है। अब इसमें कार्बन को चार बॉन्ड्स बनाने हैं, एक ही कार्बन एटम है, तो आई कैन ड्रॉ फोर बॉन्ड्स लाइक दिस, और हर एक बॉन्ड के सामने मैं H लिख सकता हूँ। तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर मिथेन। और इसमें दिख रहा है कि हर एक कार्बन एटम जो है वो चार हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, और हर एक हाइड्रोजन एटम का कनेक्शन कार्बन से है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम लोग, लेट अस टेक C2H6। अब इस फॉर्मूला में हमें दो कार्बन एटम्स और छः हाइड्रोजन एटम्स को जोड़ना है। दोनों कार्बन चार चार बॉन्ड बनाएंगे, तो ऐसे दोनों को अगल बगल लिख दिया। एंड लेट्स सी, क्यों ना इनके बीच एक बॉन्ड बना दिया जाए, और ऐसे खींच देते हैं। नाउ वी कैन सी दैट द लेफ्ट कार्बन, जो बाईं तरफ वाला कार्बन है, इसके बॉन्ड्स काउंट करते हैं 1, 2, 3 और 4, और जो राइट वाला कार्बन है उसके भी बॉन्ड्स काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो दोनों कार्बन चार चार बॉन्ड बनाए हुए हैं, और हाइड्रोजन को एक बॉन्ड चाहिए। आई कैन राइट 1 हाइड्रोजन 2 3 4 5 एंड 6। तो ये C2H6 का स्ट्रक्चर बन गया, और इसमें हम सारे बॉन्ड्स और इनके कनेक्शंस को दिखा सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला का बेनिफिट क्या हुआ, इट शोज ऑल द कनेक्शंस।
अब दो एटम्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और इसका सिंबल होता है सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड कहलाता है पाई बॉन्ड और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई सिंबल से। तो दो टाइप के ये जो बॉन्ड है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा बॉन्ड सिग्मा है और कौन सा बॉन्ड पाई? तो बहुत ही सिंपल रूल है, दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड होगा, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज सिग्मा। दो एटम्स के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसके बाद के बाकी सारे बॉन्ड जो उन दो एटम्स के बीच में बनेंगे, रेस्ट बॉन्ड्स बिटवीन देम, वो सारे पाई होंगे। एक एग्जांपल से इसको और क्लियर करते हैं। इन दो कार्बन एटम्स पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। इनके बीच बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा और ये दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। ये पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और ये दूसरा वाला पाई बॉन्ड। यहाँ इस कार्बन और हाइड्रोजन पर ध्यान दो, तो इनके बीच में एक ही बॉन्ड है और दो एटम्स के बीच बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड है। फॉलोड? तो देखते हैं कि इस कंपाउंड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं। तो पहला सिग्मा बॉन्ड यहाँ इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, एक एक दो, एक यहाँ से लेंगे तीन, एक चार और एक पांच। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स आर फाइव। और पाई बॉन्ड कितने हैं? तो हमारे पास टोटल छः बॉन्ड्स हैं, जिसमें से पांच बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो एक बचा हुआ जो बॉन्ड है ये वाला, दैट इज द पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड्स की संख्या एक है। और इसमें आप फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, ये सारे सिग्मा बॉन्ड एक ही टाइप के नहीं हैं। जैसे यहाँ वाला सिग्मा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा सी सी, कार्बन और कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड टोटल है वन। और बाकी सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, इसलिए इसे हम लिखेंगे सिग्मा सी एच इक्वल्स टू फोर। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे सामने ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स दोनों काउंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड से और अलग अलग टाइप के सारे बॉन्ड्स देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स, सबसे पहले सिग्मा ऑफ कार्बन हाइड्रोजन टाइप इक्वल टू व्हाट? स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, एक यहाँ एंड लेट्स टिक इट, वन टू थ्री फोर। तो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन टाइप के चार सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड देन कार्बन कार्बन टाइप के सिग्मा बॉन्ड्स गिनते हैं, वन टू एंड थ्री। तो तीन सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन टाइप के हैं, तो इन टोटल वी हैव सेवन सिग्मा बॉन्ड्स। और अब चलते हैं पाई बॉन्ड्स पर। तो हमारे पास पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ही है, तो लेट्स काउंट, एक यहाँ है वन, एक बॉन्ड सिग्मा हो गया, दूसरा पाई है टू एंड थ्री, तो वी हैव थ्री पाई बॉन्ड्स। एंड सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड इक्वल टू सेवन इज सिग्मा एंड थ्री पाई बॉन्ड्स, तो टोटल बॉन्ड्स इज टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन। बेंजीन एक बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इलेवेंथ और
ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका फॉर्मूला C6H6 होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो थोड़ी सी बात हमारी मानकर चलो, पर इसमें ये क्या हुआ, हमने तो कार्बन और हाइड्रोजन दिखाए ही नहीं। तो इस तरह के डायग्राम्स को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन डायग्राम्स, जहां हम एटम्स की जगह सिर्फ बॉन्ड्स को दिखाते हैं, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए आप हमारी ये बात मान लीजिए कि हर एक कोने पर एक कार्बन एटम होता है। तो ऑल दीज कॉर्नर्स हैव अ कार्बन एटम, एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो देयर आर 6 कार्बन एटम्स, और इसीलिए हमारे पास ये 6 कॉर्नर्स हैं, एंड ये लाइंस बॉन्ड्स को दिखा रही है। अब हाइड्रोजन कहाँ गया फिर? हाइड्रोजन्स बॉन्ड लाइन डायग्राम में दिखाई नहीं जाते, बट हर एक जगह पे देखो ध्यान से, अगर इस कार्बन को नोटिस करोगे तो इसके हम 1, 2 और 3 बॉन्ड देख रहे हैं। तो चौथा बॉन्ड छुपा हुआ है और वो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। इसी तरह से हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, राइट? अब हम यहाँ पर बॉन्ड्स को काउंट करते हैं। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स, देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। लेट्स काउंट, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड है। एंड नाउ लेट्स सी द सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो उसको हम काउंट करेंगे एंड सी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये भी हमारे पास 6 आ गया। तो इन टोटल हमारे पास 12 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड्स की। तो बेंजीन में क्लियरली दिख रहा है कि एक पाई बॉन्ड यहाँ है, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ और तीसरा यहाँ पर। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज 3। बेंजीन के पास टोटल 15 बॉन्ड्स हैं, जिसमें कि 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। आप इस वैल्यू को याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है और इसीलिए इसको दिमाग में रखना फायदेमंद है। तो इस वीडियो में हमने मॉलिक्यूल और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की और देखा कि कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पहचान सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे फार्मूला लिखा जाता है। सी या।